फतेहपुर जनपद में बीती देर रात थाना बिदकी स्थानीय पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में गोली लगने से एक बदमाश घायल हुआ। वहीं कब्जे से देसी बंदूक, एक सेंट्रो कार और खोखा कारतूस भी बरामद हुआ। आपको बता दें कि 29 अगस्त की देर रात प्रभारी निरीक्षक बिंदकी रविंद्र श्रीवास्तव मैं हमराही फोर्स के साथ बिंदकी क्षेत्र के बिहद्र क्षेत्र ग्राम खुर्जा मोड़ के पास चेकिंग के दौरान एक सेंट्रो कार से 3 बदमाश उतरे और पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए भागने लगे, जिन्हें घेराबंदी कर पुलिस बल ने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, किंतु बदमाशों द्वारा फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में एक अभियुक्त अजय पुत्र साजन निवासी बहलोलपुर खागा के पैर में गोली लगने से वह घायल हुआ, जिसके कब्जे से एक देसी बंदूक व एक खोखा कारतूस 315 बोर नाल में फंसा हुआ वह एक जिंदा कारतूस तथा एक मिस कारतूस भी बरामद हुई। वहीं बदमाश के 2 और साथी अंधेरे और जंगल का फायदा उठाकर भाग निकले। घायल बदमाश को पुलिस ने उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस और बदमाश के मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ, जिसके पास देसी बंदूक व कारतूस सहित एक सेंट्रो कार भी बरामद हुई है। बदमाश अजय के विरुद्ध जनपद हमीरपुर कौसंबी रायबरेली में 13 अभियोग पंजीकृत हैं, जो गैंगस्टर में जेल भी जा चुका है। थाना स्थानीय पर पुलिस ने गिरफ्तार बदमाश के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया और भागे हुए बदमाशों की पुलिस तलाश में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN। फतेहपुर में थाना बिंदकी क्षेत्र में बिंदकी पुलिस द्वारा आज भोर में चेकिंग की जा रही थी, तो बदमाशों से चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक बदमाश अजय नाम का, जो कि खागा का रहने वाला है, वो गिरफ्तार हुआ है। उसके पैर में गोली लगी है। बदमाशों ने पुलिस पर फायर किया था। एक देसी बंदूक और सेंट्रो कार बरामद हुई है। अजय बहुत ही शातिर अपराधी है। कौसाम्बी, हमीरपुर और रायबरेली में इसके विरुद्ध 13 मुकदमे हैं और ये इस पर गंगेश्वर के मुकदमे भी हैं। निश्चित तौर पे इसके विरुद्ध गंगेश्वर एक्ट की कार्रवाई की जाएगी। इसके 2 साथियों का नाम पता चल गया है, उनको भी हम शीघ्र ही गिरफ्तार करेंगे। जनपद की एक अच्छी उपलब्धि है। धन्यवाद।